सब सीखेंगे कि श्री विधि से गेहूं लगाने के लिए खेत की तैयारी एवं बीज की रोपाई कैसे की जाती है। साथ ही हम सीखेंगे कि खेत तैयारी के समय खाद का प्रयोग कैसे करना है। इस खेत में गेहूं लगाते हैं ना, उस खेत को 3 से 4 बार जुताई करते हैं ताकि वो मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा। अंतिम जुताई के पहले हम लोग खेत में खाद डालते हैं, जैसे हो गया नेडेप खाद, हो गया गोबर, हो गया ट्रैकोडर्मा, हो गया घनजीवा अमृत, हो गया सारा चीज मिला के और फिर हम लोग खेत में डालते हैं और अच्छा से तैयार कर लेते हैं। उसका फिर तरीका है, देखो नेडेप या गोबर खाद जो रहता है उसमें घनजीवा अमृत को चूर चूर करके उसमें उसको मिलाते हैं और जो ट्राइकोडर्मा रहता है उसको भी मिला देते हैं। अगर उस खाद में अगर नमी नहीं है तो हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं, उसके बाद से फिर मिलाते हैं और जूट का बोरा रहता है उसको ढक देते हैं, उसमें नमी नहीं रहता है तो उसमें फिर पानी का छिड़काव करके ताकि उसमें ट्राइकोडर्मा पूरा फैल जाएगा। अंतिम जुताई से पहले हम लोग खाद को अच्छी तरह से डालते हैं, उसके बाद से फिर जुताई करते हैं, उसके बाद से फिर पाटा चला के और खेत को समतल कर देते हैं। देखो अब तो हम तो खेत का तैयारी कर लिए हैं, पूरा जुताई उताई सब कर लिए, सब कंप्लीट हो गया है। अब भी और भी बाकी है, जैसे कि हमको क्यारी बनाना है, फिर उसके बाद से बुआई करेंगे। क्यारी तो हम भी बनाते हैं, लेकिन क्या इसका अलग विधि है क्या? अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है, केवल हमें सिंचाई के साधन देखते हुए हमको क्यारी बनाना है। ये तो हम 7 से 15 फीट तक ले भी बना सकते हैं। देखो जब हम श्री विधि का गेहूं लगाते हैं तो लाइन से लाइन लगाते हैं, इसका मतलब लाइन से लाइन और बीज से बीज की दूरी ये दोनों का 8 इंच ही रखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर गेहूं को बुआई करेंगे। अब तो हम मेरा तो बुआई हो गया, अब इसको हम हल्का पाटा चला के फिर बीज को हम लोग ढक देंगे। आशा करती हूँ कि आप सब भी इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ गए होंगे।